Ding ding. Congratulations to all of my Indian fans. भैया इंडिया पहुंच चुकी है फाइनल्स के अंदर एंड बहुत ही स्वाद आ गया भाई कसम से. 2019 का बदला ले लिया हमने न्यूजीलैंड से, मज़ा ही आ गया. बट यार न्यूजीलैंड भी अच्छी टीम है यार, नो डाउट. अकेली ऐसी टीम बनी है जिसने इंडिया के अगेंस्ट अभी तक कोई सेंचुरी मारी है किसी बंदे ने, ये ऐसा मैंने सुना था. आई डोंट नो ये फैक्ट कितना सही है, बट चलो खैर कोई नहीं. देखते हैं अब 19th को हम फाइनल्स के अंदर किससे बढ़ेंगे, साउथ अफ्रीका या फिर ऑस्ट्रेलिया. जो भी आ जाओ जीतेगा तो हिंदुस्तान इस बार. वर्ल्ड कप हम ही लेके आ रहे हैं भाई. हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग. अपना रेडी शेडी होके नहा धो के नहा लिए पहले ही, चल रहे हैं पहले कॉलेज. कॉलेज के अंदर मेरे को अपना I-20 सिग्नेचर लेने हैं. आज की मैंने रजिस्ट्रेशन की हुई थी, जिससे क्या होगा कि अगर मैं अपना I-20 साइन करा लेता हूँ वो नेक्स्ट 1 ईयर तक वैलिड होगा एंड उससे मैं फिर कहीं भी जा सकता हूँ विद इन 1 ईयर. मतलब जैसे स्टूडेंट वीज़ा पे होते हो आप, तो आपको बार बार मतलब उसके अंदर प्रॉब्लम आती है, आपको साइन कराना पड़ता है और परमिशन लेनी पड़ती है कॉलेज से. तो वो मैं अभी से करा के रख लेता हूँ कि अगर मेरे को बाई चांस कभी इंडिया या कहीं और किसी और कंट्री विज़िट करना पड़े तो नेक्स्ट 1 ईयर के लिए वो मेरे लिए वैलिड डॉक्यूमेंट होगा. 24 नवंबर 2016 तक के लिए वैलिड होगा, 15 तक के लिए. मैं अगर वापस US अब आऊँगा जब इमिग्रेशन के अंदर तो मेरे को इशू नहीं होगा. उसके बाद चलेंगे अपना जिम करेंगे आज लेग्स. बस फटाफट से लेके चलते हैं, स्कूटर से ही चलते हैं सीधा कॉलेज. लेट्स गो. हाँ जी, स्कूटर कर दिया हमने यहाँ पे लॉक एंड हमें जाना है ईगर रिसर्च सेंटर जो कि है 4th बिल्डिंग के अंदर. बस फटाफट से चलते हैं. वैसे प्रॉपर जगह का नाम था रेथन एम्फीथिएटर, वो हमें मिल ही नहीं रहा था गूगल पे, तो हमने मैप्स पे चेक किया तो वो इट इज़ द पार्ट ऑफ 4th बिल्डिंग. लेट्स गो, फटाफट से चलते अंदर. हाँ जी, मेरा ट्रैवल सिग्नेचर इज़ डन. मैं आपको एक चीज़ बता रहा था, आप रगल से आओगे तो वहाँ से उतरते ही लेफ्ट में ही है 4th बिल्डिंग में, नहीं था ये, गूगल कुछ गलत दिखा रहा था. तो इट इज़ इन यूनिवर्सिटी नॉर्थ ईस्टर्न टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र सेंटर एंड बिल्कुल उसके साइड में ही रायथन एम्फीथिएटर है, वहाँ पर आपको ये चीज़ मिल जाएगी. अगली बार अगर आपको चेक करना हो तो आप सिंपली जाके इंस्टाग्राम वाले इनके पेज पे OGS के वहाँ पे चेक कर सकते हैं कि नेक्स्ट वाला कहाँ पर हो रहा है. इस बार वाला भी यहीं पर ही था और नेक्स्ट वाला भी, उसकी डेट में भूल गया, वो भी यहीं पर ही है. आप इंस्टाग्राम पेज जाके चेक कर लेना. बाकी बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस होता है, आपको I-20 पे अपना सिग्नेचर चाहिए होता है. मेरे को मेरा मिल गया विद इन 2 मिनट्स, कुछ नहीं करना. वहाँ पे आपको जाना है, अपना चेक इन करना है, दिल आस्क योर NU ID आपको बताना है, फिर आपको वो साइन I-20 मेल कर देंगे. जैसे मैंने अब 15 नवंबर 2023 को लिया है तो इट इज़ वैलिड अप टू 15 नवंबर 2024 तक, एक साल तक वैलिड रह सकता है और मैं उसके अंदर कहीं अपना घर होम कंट्री या किसी और कंट्री जा सकता हूँ. मेरे को इमिग्रेशन पे आते हुए कोई इशू नहीं होगा. तो यार ये सारी चीज़ें बहुत मतलब करा के रखनी चाहिए मेरे हिसाब से. यू नेवर नो आपको कब घर जाना पड़ जाए और ये सब. फिर उसके लिए अगर आपको एकदम इमीडिएट चाहिए होता है तो फिर उसके बाद ये 2 हफ्ते का टाइम लगाते हैं, तो इसलिए मैंने करा के रख लिया. आई होप आप जिस भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हो वहाँ पे भी इतना इजी प्रोसेस होगा. कुछ नहीं करना, अपने डिपार्टमेंट में जाना है, बात करनी है, और नॉर्थ ईस्टर्न से हैं तो बहुत इजी है. बस ये हर मंथ 1-2 इवेंट करते रहते हैं. ऐसे अक्टूबर वाले में मैं कर नहीं पाया था, नवंबर वाले में 2 इवेंट है तो मैंने 1st इवेंट में ही कर लिया अपना. तो आप भी कर सकते हैं. बाकी आपको कोई और भी डाउट हो, कैसा भी डाउट हो, कमेंट्स आर फॉर यू गाइस, जस्ट लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स. अब ए 1:15 हुए हैं, 1 बजे से सेशन था मैंने आपको बताया था. फटाफट से अपना स्कूटर उठाते हैं, जिम भगते हैं, वर्कआउट करते हैं और फिर उसके बाद करेंगे अपनी पढ़ाई. लेट्स गो. थैंक यू. आफ्टर वर्कआउट रनिंग 1200-1250 कैलोरीज ऑलरेडी बर्न हो चुकी है. वर्कआउट खत्म करते हैं बस.
हाँ जी, वर्कआउट इज़ डन। ये रहा हमारा स्कूटर, फटाफट से इसको अनलॉक करते हैं। देन हमें चलना है क्लास, अभी क्लास में है एक घंटा, तो हम बैठ के करेंगे अपनी पढ़ाई, ओट्स खाएंगे, प्रोटीन के लिए पानी भर लिया, चलते हैं फटाफट से क्लास के पास ही बैठ जाते हैं। खोल दो मैडम, थैंक यू। नहीं मैं सोच रहा तू ही खोल दे। हाँ जी, क्लास इज ओवर, फटाफट से घर चलते हैं, खाना बनाना है घर जाके। देखते क्या बनाएंगे यार। अच्छी, हाँ जी, स्टेशन आ गए हैं, बस फटाफट से अपनी ट्रेन का वेट कर रहे हैं, 4 मिनट में ट्रेन आएगी, घर जाएंगे, देखते हैं क्या बनाना है, क्या सब्जी रखी है, फटाफट से बना बनू के खाना खाएंगे, भूख लग रही है आज तो बहुत। हाँ जी, इसमें बन रही है हमारी आलू की सब्जी, आलू टमाटर की सब्जी, ये रख दिया मैंने तवा। अभी हमने मला है आटा, छोटा सा आटा, थोड़ा सा आटा मला है, मतलब मैंने अपने लिए ही, कि मेरे लिए 2 दिन चल जाए, 2 या मैक्सिमम 3 दिन। तो बस अपनी आलू की सब्जी और रोटी खाएंगे, रोटी बनाने ही लगाऊँ मैं, यहाँ पर आ गया हमारा सब कुछ। हाँ, फटाफट से डिनर खाते हैं भाई, भूख लग रही है बहुत तेज़ से, ओट्स खाए थे लेग्स मारने के बाद। हाँ जी, खाना इज डन गाइस, मज़ा आ गया, 3 रोटी पहली दही से, चटनी से और आलू की सब्जी से। चलो जी गाइस, इस ब्लॉग को कर रहा हूँ मैं यहीं पर, यहीं एडिट करना है, फिर थोड़ी सी करेंगे पढ़ाई। आपसे मिलेंगे कल नए ब्लॉग में, नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बने रहिए और देखते रहिए एक्सप्लोर विद रोजा गाइस। एंड लास्टली, डोंट फॉरगेट टू मेक योर पेरेंट्स प्राउड। टाटा।